हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको IMAX का DT6502 का आपको टेस्टिंग करके बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको, आप देख सकते हैं, ये रहा बाइक जो कि काफ़ी ज़्यादा डर्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ IMAX DT6502। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ। और अगर आपको ये मशीन लेना होगा IMAX का DT6502, तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6999 में मैंने इसको परचेस किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इसका टेस्टिंग शुरू। तो सबसे पहले मैंने इसको पावर कॉर्ड में लगा दी है। पावर कॉर्ड में लगाने के बाद आपको इसका मशीन को चालू कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी मैंने इसका जो नोब है इसको फुल पे रखा हुआ है। अब हमको सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको ट्रिगर करना है। तो आप देख सकते हैं मशीन हो गया है सेटअप। अब हम सिंपली इसको राउंड करते हैं, ये देखिए। अब चलिए हम वॉश करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने सारे तरफ पानी मार दिया है और इसको, बाइक को अच्छे से साफ कर दिया है। जितना भी डस्ट और जितना भी मिट्टी जमा हुआ था इसको निकाल दिया है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको फोम वॉश करते हैं। तो चलिए, मैं फोम कैनन लगाता हूं और उसके बाद हम इस पर फोम मारते हैं। तो दोस्तों, मैं इस पर सिंपली फोम कैनन को अटैच करता हूँ। तो अटैच करने से पहले, सबसे पहले हमको ये नोज़ल को निकालना है। नोज़ल को निकालने के बाद ये कनेक्टर, QC कनेक्टर को हमको इस पर लगा देना है। और QC कनेक्टर को लगाने के बाद ये जो फोम कैनन है हमारा, इसको हमको अटैच कर देना है। ये देखिए, तो फोम कैनन हो गया रेडी। अब आपको मैं इसका एक डेमो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका डेमो। अब चलिए, अब हम इस पे फोम कैनन से वॉश करते हैं इसको पूरे शैम्पू लगाकर बाइक में। तो देखिए दोस्तों, जो फोम है आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा फोम हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा फोम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए, जो फोम कैनन है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो फोमिंग है काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि मशीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो फोम कैनन से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा फोम आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो चलिए अब हम इसको सिंपली साफ करते हैं, उसके बाद हम इसको वॉश करते हैं बाइक को। तो चलिए मैं इसको सिंपली साफ कर देता हूँ। अच्छा तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। अब पोंछने के बाद हम इसको सिंपली वॉश करते हैं। तो इस मशीन की मदद से आप बाइक को घर पर ही वॉश कर सकते हैं। बाइक कार जो भी है आप इसको घर पर ही साफ कर सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से सर्विस सेंटर या किसी भी वर्कशॉप में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस मशीन की मदद से आप सारा काम घर बैठे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोज़ाना लाते रहता हूँ। और अगर आपको ये मशीन परचेस करना होगा तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।